यीशु मसीह के जिंदा कादर जलाली बबरकत नाम में हम सबकी सलामती हो। आए उसको मुबारक कहें जिसने हमें जिंदगी की सांसें बख्शी हैं और एक बार फिर ऐसा मुमकिन किया है कि हम मिलकर उसके जिंदगी बख्श कलाम में से देख सकें, पढ़ सकें, सीख सकें, अपने दिल में रख कर कह सकें अपने बुजुर्ग दाऊद के साथ मिलकर, मैंने तेरे कलाम को अपने दिल में रख लिया ताकि तेरे खिलाफ गुनाह ना करूं। मेरी बेटी, मेरे बेटे, मेरी बहन, मेरे भाई, इन बदीनी के अयाम में जब चारों तरफ गुनाह और बदी जोर पकड़ रही है, अगर आप ये चाहते हैं, अगर हम ये चाहते हैं कि हम बदी की कुव्वतों पर गालिब आए, हम उनसे मगलूब ना हो, तो हमें इस भेद को समझना होगा और उसी तौर से इस कलाम को अपनी जिंदगी में दर्जा देना होगा ताकि दिलेरी से आप कहने वाले हो, हां खुदावंत, मैंने पाकीज़गी के कलाम को, आपकी रास्तबाजी के कलाम को, आपकी जिंदगी के कलाम को, क्योंकि याद रखिएगा ये बाइबल मुकद्दस खुदावंत का कलाम है और मेरी और आपकी फक्त नहीं बल्कि हर बनीनो इंसान की जिंदगी के लिए, इस जहान की जिंदगी के लिए और अगले जहान की जिंदगी के लिए हर बात का जवाब इसमें मौजूद है। हमारी रहनुमाई के लिए, हमारी नसीहत, हमारी वसीयत, हमारी बरकत और हमारी इबरत, इसे दिल लगाएं। इन दिनों में हम इस सीरीज में चल रहे हैं कि ईमान बगैर अमाल के मुर्दा है। पिछले सर्मन में हमने ये बात शेयर की कि हां बेशक हमारे बाप इब्राहिम जो है उन्होंने बेटा देने से दरेग नहीं किया, बेटे को लेकर कोहे मोरिया पर पहाड़ पर चले गए उसे कुर्बान करने के लिए, और उनके ईमान की खुदावंद ने तस्दीक की। इसलिए मैं फिर इस बात को जरूर एक लम्हे के लिए रिपीट करूंगा, अगर आप पिछले सर्मन सुन रहे हैं तो आपको अंदाजा होगा, अगर कोई कहे ये मुझसे और आपसे मुखातिब है खुदा का बंदा मुकद्दस याकूब, कि हम अपनी जिंदगियों पर गौर करें, अगर हम कई सालों से कह रहे हैं कि मैं ईमानदार हूं और मेरी जिंदगी में वो अमाल नहीं है कि कोई भूखा है मैं उसके लिए कुछ उसको खिला सकूं, कोई नंगा है उसे कुछ पहना सकूं, कोई नेक अमाल मेरी जिंदगी में अगर जाहिर नहीं होते, लम्हा फिक्री है, मुझे गौर करना होगा। यह अलग बात है कि याद रखिएगा सीक्रेट राज खुदावंद ने अपने कलाम में रखा है। अब समझ रहे हैं आप ईमानदार हैं, लेकिन ये सब अगर नहीं है तो याद रखिएगा उस ईमान को ग्रो करने दे। ईमान सुनने से पैदा होता है और सुनना मसीह के कलाम से। वक्त गुजारें, उसके कलाम को अपने दिल में रखें, उस पर गौर करते रहें, क्योंकि यहां पर जब हम देखते हैं तो दो शख्सियात के ईमान की तस्दीक है, उसमें से हमने एक के बारे में लास्ट सर्मन में देखा और आज भी कुछ देखेंगे, क्योंकि वो ऐसी शख्सियत है हमारे बाप इब्राहिम, एक लम्हा में मैं बयान करता चलूं, जिनके पास तीन खूबसूरत टाइटल है कि वो ईमान के वसीला से ठहरे हुए रास्तबाज, वो खुदावंद के दोस्त और ईमानदारों के बाप। लेकिन उनके बारे में लिखा है कि इब्राहिम खुदा पर ईमान लाया, इब्राहिम खुदा पर ईमान लाया और उसका ईमान उसके हक में रास्तबाजी गिना गया। और ये आयत जो है ये हमें एक से ज्यादा जगहों पर बाइबल मुकद्दस में मिलती है, और मुकद्दस याकूब के खत में दूसरे बाब और उसकी 23वीं आयत, और यह नविश्ता पूरा हुआ कि इब्राहिम खुदा पर ईमान लाया और ये उसके लिए रास्तबाजी गिना गया और वो खुदा का दोस्त कहलाया। आमीन। अगर आज हम में से कोई इस मकाम पर आना चाहता है तो दरवाजे खुले हैं, खुदावंद की तरफ से दरवाजे खुले हैं। पूरी तवज्जो से सुनिएगा पिछले सर्मन में, अगर आपने सुना नहीं सुना तो जरूर सुने कि 75 साल की उम्र में बुलाया गया और बेटा कुर्बान करने वाला जो वाकया है ये 40 साल के बाद हुआ। इसके दरमियान क्या क्या हुआ बाइबल मुकद्दस में सब मरकूम है, इसे पढ़ना शुरू करें।
आपको हर रोज एक नई ताजगी, हर रोज एक जिंदगी की लहर, कुवत कुदरत शर्मानी मिलेगी। लेकिन इसमें खास बात हम जरूर ढूंढे कि वो कौन से लम्हात थे, क्या हुआ था जब खुदावंद ने उसके ईमान की तस्दीक की। बेशक याद रखिएगा कि जब बेटा कुर्बान करने के लिए पहाड़ पर गया है तो वो वक्त नहीं था जब उसके ईमान की तस्दीक हुई। नहीं, इस तरह नहीं है। उसके ईमान की तस्दीक इससे बहुत पहले खुदावंद ने खुद की, जब अभी उसकी जिंदगी के अंदर बहुत सी कमजोरियां थी। लेकिन खुदावंद चाहते कि वो खुदावंद की हजूरी में रहें, और शुक्रगुजार हैं अपने बुजुर्ग इब्राहिम, अपने बाप की जिंदगी के लिए जिन्होंने खुदावंद की बातों को दर्जा दिया। गिरते संभलते कामलियत की तरफ बढ़ते रहे, यहां तक कि 99 वर्ष की उम्र में खुदावंद उनसे मुखातब होते हैं, राम मेरी हजूरी में चलो और कामल हो। उससे भी पहले खुदावंद ने उनके ईमान की तस्दीक की। जानना चाहते हैं, आए बाइबल मुकद्दस में, हम पदेश की किताब में चलते हैं और बहुत खूबसूरत बातें जो है वो हमें मिलेंगी यहां पर। याद रखिएगा, अगर इसकी डिटेल में वर्ष पर वर्ष जाएंगे तो हमें बहुत वक्त चाहिए होगा, लेकिन चीदा चीदा बातें इसमें से, क्योंकि हम ये चाहते हैं, दिल से ये चाहते हैं, क्योंकि जितना हम इनकी रवैयन में, हमारे अपने लिए इंतहाई बरकत का बायस है, आपके लिए बरकत का बायस है और बथेरों के लिए बरकत का बायस, हम शुक्रगुजारी करते हैं। हम बाइबल मुकद्दस में देखते हैं कि जब 75 साल की उम्र में बुलाए गए, खुदावंद ने फरमाया कि मैं तुझे बरकत पर बरकत दूंगा, कौमें तेरे वसीला से नजात पाएंगी। उसके बाद वो काल पड़ा, कमजोर हुए, झूठ बोल बैठे, मिस्र की तरफ गए, फिरौन की तरफ, बीवी को बहन बोला, ये हम बखूबी जानते हैं। उसके बाद वहां से निकले, उनके भतीजे लूत उनके साथ हैं, चरवाहों के बीच में कुछ लड़ाई झगड़ा हुआ और उसके बाद उन्होंने एक स्टेप उठाया और अपने भतीजे लूत से कहा, अच्छा नहीं कि हमारे बीच में लड़ाई झगड़ा हो, अच्छा है कि अब हम अलग अलग हो जाएं। अगर तू मशरक की तरफ चलेगा तो मैं मगरब की तरफ चलूंगा। ये एक 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 बात पर जब आप गौर करते हुए आगे बढ़ेंगे, क्या दिल खुदावंद ने दिया। जगह जगह पे वो कुर्बान गए बनाते, जगह जगह पे वो मजबे बनाते, अपने खुदावंद की परस्तश करते, उसकी सदाइश करते। लेकिन उसके बाद हम बखूबी जानते हैं कि जो बात यहां पर कहना चाहते हैं वो कलाम मुकद्दस में लिखा है कि लूत के जुदा हो जाने के बाद, आए पदाइश की किताब और उसका 13वां बाब और उसकी 14वीं आयत, और लूत के जुदा हो जाने के बाद खुदावंद ने अब्राम से कहा कि अपनी आंख उठा और जिस जगह तू है वहां से शमाल और जनूब और मशरक और मगरब की तरफ नजर दौड़ा, क्योंकि ये तमाम मुल्क जो तू देख रहा है मैं तुझको और तेरी नस्ल को हमेशा के लिए दूंगा, और मैं तेरी नस्ल को खाक के जरों की मानद बनाऊंगा, ऐसा कि अगर कोई शख्स खाक के जरों को गिन सके तो तेरी नस्ल भी गिन ली जाएगी। उठ और इस मुल्क के तूल और अर्ज में सैर कर, क्योंकि मैं इसे तुझको दूंगा। और अब्राम ने अपना डेरा उठाया और ममरे के बलूतों में जो हबरून में हैं जाकर रहने लगा और वहां खुदावंद के लिए एक कुर्बानगाह बनाई। वक्त निकालें, दरख्वास्त है आपसे, जैसे मैंने आपसे एक बात की इसके अंदर
एक एक लफ्ज के अंदर, एक एक वर्स के अंदर मेरी और आपकी नसीहत छिपी है। मैं खुदा का खादम आपसे दरख्वास्त करूंगा, उस फेलोशिप को कभी ना छोड़िएगा, वो रफाकत को कभी, उसकी अहमियत को अपनी जिंदगी में हमेशा उजागर रहने दीजिएगा, जिस रफाकत में आपको खुदावंद का दीदार हासिल हो। सब कुछ कुर्बान कर दीजिएगा, वो गलती ना कीजिएगा जो हमारे बुजुर्ग लूत ने की, अगरचे खुद बच गया लेकिन घराना ना बचा सका, क्योंकि एक टेस्ट था, एक आजमाइश थी, चरवाहों के दरमियान लड़ाई हुई। तो उस वक्त जब उनके चचा हमारे बाप इब्राहिम ने उनसे कहा कि देख तू दाहिने जाएगा तो मैं बाएं चला जाऊंगा, तू बाएं जाएगा मैं दाहिने चला जाऊंगा, जो तुझे चुनना है तू चुन ले पहले, तो इसमें हमारे लिए बहुत कुछ सीखने के लिए कि जो खुदावंद पर ईमान, जो खुदावंद के कलाम का यकीन करते हैं, वो घबराते नहीं, वो परेशान नहीं होते छोटी छोटी बातों पर, वो लड़ाई झगड़े में नहीं पड़ते, वो खुदावंद के नाम पर बहुत कुछ कुर्बान करने के लिए तैयार हो जाते हैं। और उस वक्त बजाहिर घाटे का सौदा लगे लेकिन कभी घाटे में नहीं रहते। हमारे बुजुर्ग लूत ने सदूम और अमूरा की उस तराई को चुना जो आरजी थी, रफाकत जिसमें खुदावंद का दीदार उसे कुर्बान किया, लेकिन आरजी चीजों को चुन लिया। हम बखूबी जानते हैं कि थोड़े ही दिनों के बाद वो सदूम और अमूरा बर्बाद हुए। इसमें हमारे लिए लेसन है, लेकिन चूंकि मौजू कुछ और है, ईमान के वसीला से रास्तबास ठहरना, और वो ईमान जिसकी खुदावंद तस्दीक करता है वो खुदावंद के लिए कुर्बान हो जाने के लिए तैयार होता है। वो ईमान अपने नेक अमल में अपने खुदावंद के लिए खुद भी कुर्बान होने को तैयार हो जाता है, अपनी औलाद को भी कुर्बान करने को तैयार है। वो जानता है कि मेरा खुदावंद कोई चीजों पे इस तरह बुला लेता जैसे पहले से मौजूद, वो मौत को जिंदगी में बदलने की कुदरत रखता है। लेकिन जो बात यहां पर इस मुकाम पे आना चाहते हैं तो हमें वक्त देना होगा। आज यहां पर हमारी क्लोजिंग, हमारा वक्त हुआ जाता है, लेकिन अगले में जरूर याद रखिएगा कि यहां पर खुदावंद हमारी नसीहत के लिए बहुत कुछ है। उसने वो हिस्सा चुना जो आरजी था, बर्बाद हो गया। इब्राहिम ने खुदावंद की रफाकत को चुना, वो अब्दी है, मेरे और आपके लिए लेसन है। उसके साथ साथ ये बड़ी खूबसूरत बात है कि देखिएगा, हम ख्याल होकर चलना बहुत जरूरी है। अच्छा है कि किसी के साथ भी चलते हैं, कोशिश करें खुदावंद की रफाकत वाले लोगों के साथ चले, हम ख्याल होकर चलें। एक दाएं को और एक बाएं को कभी भी खुदावंद को यह पसंद नहीं है, क्योंकि यहां लिखा है कि लूत के जुदा हो जाने के बाद। लेकिन जो बात कहना चाहता हूं, यहां पर खुदावंद ने उसे जमीन की रेत दिखाई है, जो आज का जो खास बात इसमें से मैं करना चाहता हूं वो याद रखिएगा कि खुदावंद ने उसे क्या दिखाया है, और मैं तेरी नस्ल को खाक के जरों की मानद बनाऊंगा, ऐसा कि अगर कोई शख्स खाक के जरों को गिन सके तो तेरी नस्ल भी। क्या दिखाया है? जमीन की खाक के जरों की मानद। और याद रखिएगा, यहां पर खुदावंद ने उससे ये नहीं, वो नविश्ता यहां पे नहीं है, अगले सर्मन में हम बात करेंगे, लेकिन मैं हवाला भी जरूर पढ़ देता हूं ताकि आप तैयारी से उसे पढ़ लें। अगले सर्मन में हम बात करेंगे, और 15वां बाब और उसकी 5वीं आयत है। अब खुदावंद उसे दोबारा बाहर लेकर जाते हैं, लेकिन इसके दरमियान क्या कुछ हुआ वो हम अगले सर्मन में शेयर करेंगे। और वो यानी खुदावंद उसको, हमारे बाप अब्राहम को बाहर ले गया और कहा कि अब आसमान की तरफ निगाह कर, और अगर तू सितारों को गिन सकता है तो गिन, और उससे कहा कि तेरी औलाद ऐसी ही होगी। और वो खुदावंद पर ईमान लाया और इसे उसने उसके हक में रास्तबाजी शुमार किया। आमीन। आए, आज हमारा वक्त हुआ जाता है और हम अगले सर्मन में जरूर बात करेंगे कि जब रेत के जर्रों की मानंद, खाक के जर्रों की मानंद उसे कहा, तो वहां ईमान रास्तबाजी में शुमार नहीं हुआ, लेकिन जब आसमान के सितारों को दिखाया
तो जानना होगा कि इसके दरमियान में ऐसा क्या हुआ है। जुड़े रहें, आए दुआ के साथ हम आज के सेशन को क्लोज करते हैं। आसमानी बाप, यीशु के नाम में आपके पास आते हैं और यीशु नाम में ही हम एक दूसरे के लिए बरकत की दुआ करते हैं। आज का कलाम हमारी जिंदगियों में गहरा असर दिखाए खुदावंद, और हर उस रफाकत पर खुदावंद अपनी जान कुर्बान करने तक भी खुदावंद वफादार रहे जिसमें हम आपका दीदार पाते हैं। खुदावंद फानी चीजों की ख्वाहिशात पर गालिब आए और अबदी चीजों की कदर करना सीखें खुदावंद, जैसे हमारे बाप इब्राहिम ने की। अपने बुजुर्ग लूत की जिंदगी को इबरत जानकर अपनी जिंदगियों में हमेशा याद रखें, ताकि सिर्फ खुद ही नहीं अपने घराने को भी बचाने के लायक ठहरे। हर किस्म की बदनी शिफा, रूहानी शिफा यीशु मसीह के नाम में जारी रहे और एक एक जिंदगी पर खुदावंद आज ठहर जाए खुदावंद, और इन तमाम बातों के वसीला से खुदावंद हमारी जिंदगियों में आपका नाम सरबुलंद हो और आपका नाम जलाल पाए, उसी के नाम आमीन।